दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको नींबू को किस तरीके से बीज से उगाया जाता है ये दिखाने जा रहा हूँ। नींबू के पौधे एयर लेयरिंग से भी तैयार किए जाते हैं और ग्राफ्टिंग से भी तैयार किए जाते हैं और इसका आसान तरीका बीज से उगा सकते हैं, अपने घर में भी उगा सकते हैं। इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। आपको नींबू लेना है, नींबू को काट करके उसका बीज निकाल लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने नींबू का बीज निकाल रखा है। ये देखिए, नींबू का बीज निकालने के बाद में आप गमला, थैली या कुछ भी ऐसी चीज ले सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल यूज कर सकते हैं। ये बीज दोस्तों, इसको मैं, ये तैयार मिट्टी की हुई है, इस मिट्टी में मैं इनको इस तरीके से बो देता हूँ। ये मैंने ये बीज बो दिए इस तरह से और इसके ऊपर से मैं ये रेत डालने जा रहा हूँ। रेत इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये आसानी से इनके अंकुर बाहर आ सके। लगभग 5 mm के आसपास मैं इसमें रेत डालूंगा। पांच एमएम हमने इसमें रेत डाली, इसको इस तरीके से हमने टाइट कर दिया। मिट्टी को दबाना जरूरी है अगर आपको अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो। इसके बाद मैं इसमें पानी डालता हूं, बहुत आसानी से, बहुत हल्के से। और इसको मैं इस पेपर से ढक देता हूँ। आजकल बरसात का सीजन है, अगर बारिश पड़ने से ये मिट्टी खराब हो सकती है, रेत बाहर आ सकती है, इसलिए मैं इसको कागज से दबाने जा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद जैसे ही अंकुर फूटेंगे, चौथे पांचवें दिन हम इस कागज को हटा देते हैं। और अब हम आगे जब भी इसमें पानी डालेंगे, 2-3 दिन छोड़ के हम इस कागज के ऊपर से ही हल्का पानी डालेंगे। तीसरे दिन, चौथे दिन हम देख लेंगे कागज को, यदि अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं वो, तो हमको तुरंत ये कागज हटा देना है। देखते हैं दोस्तों 15 दिन बाद 20 दिन बाद इसका क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों 15 दिन पहले हमने जो बीज बोया था, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। ये देखिए, हमारे सामने ये कागजी नींबू का बीज, पौधे बीज से तैयार हो चुके हैं और ये थोड़ा सा और बड़ा होने पे हम इनको लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ख्याल ये रखना पड़ता है कि कागजी नींबू में कुछ रोग कीट अधिक लगते हैं, तो थोड़ा सा इसमें बीच बीच में किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे जरूर करते रहें। और कुछ टाइम बाद, 5-7 दिन बाद 10 दिन बाद हम इनको जहां पे चाहें वहां पे लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें, इस काम को करने के लिए आपको 2 सावधानियां आवश्यक रूप से बरतनी पड़ेंगी। पहला ये कि नींबू का जो बीज है वो एकदम ताजा होना चाहिए, अर्थात मतलब आपने उसको, नींबू को जब काटा और बीज तैयार किया तो बीज को 24 घंटे के अंदर बो देना है,
यदि 24 घंटे के अंदर नहीं बोना है तो उसको पानी में डुबो करके रख लेना है और उसको आप 2-3 दिन के अंदर अवश्य बोलें, उसके बाद इसकी जर्मिनेशन बहुत कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो ध्यान रखने लायक है, ये कार्य आपको समर टाइम्स में करना है, और क्योंकि जाड़ों में इसका जर्मिनेशन नहीं होता है। तो जब जब गर्मियों का टाइम रहेगा, अब मार्च से लेकर के अगस्त तक आप इस काम को कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।